हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, इंट्रोडक्शन। इन प्रेजेंट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम ऑफ फंजाई ग्रुप जाइगोमाइसिस। तो किंगडम ऑफ फंजाई का जो ग्रुप जाइगोमाइसिस है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। जाइगोमाइसिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन फंगी। कॉन्जुगेशन ऑफ फंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो हाइफी पास पास आ जाते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से इनकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो जाइगोट जैसी लगती है। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज नोन एज जाइगोमाइसिस। जाइगोट स्ट्रक्चर बनता है, वैसी स्ट्रक्चर बनती है इसमें, इसलिए इसको हम जाइगोमाइसिस कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, इसको कॉन्जुगेशन फंगी भी कहते हैं। इन दिस ग्रुप नो मोटाइल सेल्स आर प्रेजेंट। इसमें कोई मोटाइल सेल्स नहीं होती, इसका मतलब लोकोमोशन में कोई सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया। देयर आर नो सीलिया एंड फ्लैजिला फाउंड इन दिस ग्रुप, मींस नो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड आइदर सीलिया और फ्लैजिला। हाइफी आर एसेप्टेड। हाइफी एसेप्टेड में सेप्टेड नहीं पाया जाता, सो दे लुक लाइक मल्टी न्यूक्लियट सेल। चूंकि उसमें हाइफा नहीं पाए जाते, हाइफा में जो सेप्टम है वो नहीं पाया जाता, इसलिए वो कैसे लगते हैं, मल्टी न्यूक्लियट लगते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे केंद्र हों। और जब किसी हाइफा में बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो उसके लिए टर्म लेते हैं सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक इज अ टर्म यूज्ड फॉर द हाइफी विच इज मल्टी न्यूक्लियेटेड। अर्थात जो मल्टी न्यूक्लियेट हाइफी है उसको हम सीनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस स्टोलोनिफर जिसको हम सामान्य भाषा में बैड मोल्ड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बैड मोल्ड। और बैड मोल्ड या राइजोपस का यूज है वो हम मुख्य रूप से कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। किसके में? फ्यूमिक एसिड, मींस इट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमिक एसिड एंड पार्टली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन इज अ मेडिसिन यूज फॉर स्किन डिजीज। तो कॉर्टिसोन को बनाने में इसका कुछ स्टेप्स के प्रयोग किए जाते हैं। और अब इसकी यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, ये देखने में कैसा लगता है, तो देखें इसमें दो प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टोलोनिफर फेरस हाइफी और दूसरे ये राइजोइड हाइफी। जो स्टोलोनिफेरस हाइफी होते हैं वो उसके पैरेलल रहते हैं और जो राइजोइड हाइफी है वो नीचे की ओर तरफ रहते हैं। तो ये राइजोइड हाइफी क्या करते हैं, इनका काम है टू सिक्रीट द डायस्टेटिक सब्सटेंसेस। ये डायस्टेटिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जिससे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट हो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट का मतलब होता है कि वो जो है इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर उसको राइजोइडल हाइफी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मींस राइजोइडल हाइफी हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग फूड, माने डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस। तो ये जो राइजोइडल हाइफी का वर्क हो गया, ये क्या करते हैं कि फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो राइजोपस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो काय के द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा। तो देखो कैसे होता है, इसको जरा आप देखें। इसमें सबसे पहले जो स्टोलोनिफेरस हाइफा है उसमें एक आउटग्रोथ बनती है, और उस आउटग्रोथ में
जो न्यूक्लियस हैं वो भी उसके अंदर रन करते हैं। यानी इस आउटपुट को हम अलग से बनाएं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्पोरेंजियोफोर, और ये इसका जो टिप है ये कहलाता है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब यदि हम इसकी अलग से केवल हम चर्चा करें डिस्कस करें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी को मूव करते हैं, तो ये जो है पेरिफेरी को मूव करके और सेंटर में ये सेंटर से थोड़ा दूर हो जाता है। तो इसमें दो प्रकार का जो है साइटोप्लाज्म हमें देखने लगता है। जो पेरिफेरी की ओर होता है वो कहलाता है स्पोरोप्लाज्म, और जो सेंट्रल की ओर होता है वो कहलाता है पॉलीमेलर प्लाज्म। ठीक, और ये जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें तो जो न्यूक्लियस हैं वो तेजी से डिवाइड होते हैं, और प्रत्येक न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर बन जाती है, यानी चारों ओर से घिर जाते हैं इस तरह से, और जो बीच में जो पॉलीमेलर प्लाज्म था वो बना देता पॉलीमेला। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाती है। ये न्यूक्लियस ये जो है स्पोर्स हैं जो मल्टी न्यूक्लियेटेड हैं, और बीच में ये कॉलीमेला है। इसके बाद क्या होते हैं, जो स्पोरेंजियम है उसकी वॉल रप्चर हो जाती है और ये स्पोर्स है वो बाहर निकल आते हैं, और जो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं तो वे जर्मिनेट होते हैं और एक हाइव बनाते हैं, और ये हाइव आम के लिए स्टोरिफ्रस हाइव में डेवलप हो जाता है। तो ये इसकी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया, और जाइगोमाइसिटिस के जो ग्रुप जाइगोमाइसिटिस है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रुप जाइगोमाइसिटिस। थैंक्स।